हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले महान महिमा में परमेश्वर पिता, अगम ज्योति में निवास करने वाले विराट अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ चंगा करने वाला परमेश्वर, बचाने वाला प्रभु जी, अद्भुत और अद्भुत करने वाला प्रभु जी, शांति देने वाला, जीवन देने वाला प्रभु जी, मार्ग और रास्ता खोलने वाला प्रभु जी, हम एक बार फिर से धन्यवाद के साथ आज के सुंदर शुक्रवार उपवास फास्टिंग प्रेयर में प्रभु हम तेरे पास में आते हैं, हम तेरे निकट में आते हैं, हम तेरी हुजूरी में आते हैं मेरे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस 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 यस। आइए मेरे प्रियजनों, सभी लोग प्रार्थना करें। ओ सभी लोग प्रार्थना करें, प्रभु से बातचीत करें, प्रभु से आज मांगो, 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 मांगो। यस, गिड़गड़ाओ, आज रो प्रभु के पास में, बैठ जाओ, बैठ जाओ। यस प्रभु, आज यीशु मसीह, आज शुक्रवार उपवास प्रार्थना फास्टिंग प्रेयर में आप सभी लोगों का, हर एक जन का मैं स्वागत करता हूं तहे दिल से, क्योंकि धन्यवाद ही के बलिदानों से हमारा परमेश्वर प्रसन्न होता है। इसलिए ना तो बल से, ना तो शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आज सारे बंधन टूट जाएंगे, सारे समस्या हट जाएंगे, सारे मुसीबतें, सारे रोगों को, सारी समस्याओं को, वो सारे कष्टों को, सारी बीमारियों को परमेश्वर आज दूर करने चाह रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, आज जहाँ भी है, जिस भी परिस्थिति में है, जैसे भी है, उस पिता का धन्यवाद करो, उस खुदा का धन्यवाद करो, उस परमेश्वर का आज तुम धन्यवाद करो। प्रभु के नाम की ऊँचा उठाओ, प्रभु के नाम को आज धन्य और धन्य कहो। प्रभु आज आपकी तुम्हारी जिंदगियों में आने वाला है, प्रभु तुम्हारे परिस्थितियों को बदलने वाला है, प्रभु तुम्हारे हर चीजों को सुधारने वाला है। इसलिए डरो नहीं, घबराओ नहीं, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रभु से मांगो, 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 मांगो। आज पश्चाताप करो, रो प्रभु के पास में, गिड़गिड़ाओ। हालेलुया, हालेलुया। यस 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 यस। जीवित उद्धारकर्ता परमेश्वर, आज होने दे प्रभु, होने दे परमेश्वर। यस मेरे प्रभु, आज होने दे परमेश्वर पिता। जितने भी लोग महान परमेश्वर तेरे पास में बैठे हैं, और जितने लोग तेरे प्रभु आज निकट में बैठे, तेरे पास में बैठे, तेरे हुजूरी में बैठे हैं, आज उनकी जिंदगी में, आज उनके परिवारों प्रभु, आज ना तो बल ना तो शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य द्वारा, हे प्रभु आज प्रार्थना करता हूं उनकी जिंदगी, सारे अंधकार की शक्तियां मसीह यीशु के नाम से बदल जाने पाए। प्रभु जी, ओ मसीह यीशु के नाम से सारे अंधकार की शक्तियां बदल जाने पाए, अंधकार की शक्तियां बदल जाने पाए। और प्रभु आज पिता परमेश्वर आपके वचन के सामर्थ्य इनके जीवन में बड़ी तेज रफ्तार से काम करने पाए। आज जैसे भी है पिता, आज उनके घर में तेरी आशीष और तेरी बरकत आने पाए, उन्नति आने पाए, उनके घर में सफलता मिलने पाए, उनके घर में आशीष और बरकत आने पाए। आज कोई भी बेटे बेटी खाली हाथ ना रह पाए, आज कोई भी लड़का हो चाहे लड़की, स्त्री हो चाहे पुरुष, कोई भी क्यों ना हो मेरे प्रभु जी, आज परमेश्वर आपके वचन के सामर्थ्य के द्वारा इनकी जिंदगियां आज यीशु मसीह के नाम से बदल जाने पाए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। यस 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 यस। के नाम से परमेश्वर का सामर्थ्य आज इसी वक्त आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग करने जा रहा है। परमेश्वर के सामर्थ्य आपकी जिंदगी में रिलीज करते हैं। ओ परमेश्वर के सामर्थ्य आपकी जिंदगी में रिलीज करने जा रहा है परमेश्वर। यस यस यस। इधर उधर बिल्कुल मत देखो, आज परमेश्वर पर भरोसा रखो मेरे प्रियजनों। आज परमेश्वर आपके पास में, आपके निकट में, आपकी हुजूरी में है। वो चाहता है मेरे बेटा, मेरी बेटी आज हर समय जो सोचे हैं, जो मांग रहे हैं, आज वो परमेश्वर उनको सब कुछ देने जा रहा है। विश्वास के साथ प्रार्थना करो, परमेश्वर आपके पास में मेरे प्रियो, विश्वास के साथ प्रार्थना करो, परमेश्वर आपकी निकट में है। हालेलुया। जितना आज मेरे प्रभु सोचोगे उतना ही आपका नुकसान होगा। ओ जितना आज प्रभु के पास में जल्दी से आज प्रार्थना करोगे, ओ जितना सोचोगे उतना ही आपके लिए देर होगा। इसलिए मेरे प्रभु डरो नहीं, घबराओ नहीं, चिंता मत करो, विश्वास के साथ प्रार्थना करो, विश्वास के साथ प्रार्थना करो। और प्रार्थना को मेरे प्रियजन आप सुनो, आज जरूर मेरे प्रभु आपकी जिंदगी में, आप भले ही रो रो के थक गए, आपका जीवन बुरा हाल है, आप तड़प रहे थे, आप निराश हो रहे थे, आप हताश हो रहे थे, आप परेशान हो रहे थे, आज आप गिड़गिड़ा रहे थे, आज कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, दुखों का सामना करना पड़ रहा था, बीमारियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन आज प्रभु परमेश्वर कह रहा कि बेटा चिंता मत कर, विश्वास के साथ इस प्रार्थना को सुनेगा, तेरी जिंदगी में आज काम होगा, ओ तेरे परिवार में आज काम होगा, ओ तेरे परिस्थितियां बदल जाएंगे। आज चिंता ना कर, घबरा मत, परेशान मत हो, प्रभु पर भरोसा रख, प्रभु पर भरोसा रख, प्रभु विश्वास के साथ आज तेरी जरूरतों को पूरा करेगा, विश्वास के साथ तेरे आज सारी कष्टों को दूर करेगा, ओ तेरे मुसीबतों को आज परमेश्वर दूर करेगा। इसलिए जहां भी है, जिस भी परिस्थिति में है, जैसे भी है, उस का प्रार्थना कर, उस खुदा से बात कर, उस परमेश्वर से बात कर, ओ यहोवा तेरे उपाय करने वाला परमेश्वर तेरे लिए उपाय करेगा। आज जो आप संसार के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं और आप उसको खोल खोल कर परेशान हो गए हैं, आज मेरे प्रियो जो खुदा बंद किया हुआ दरवाजा को अगर खोलेंगे तो आप कितनी बार प्रयास करेंगे वो खुल नहीं पाएगा। लेकिन जब खुदा आपके लिए खोलेगा रास्ता, वो खुदा आपके लिए जब खोलेगा रास्ता तो उसको कोई नहीं रोक सकता। उसमें आपका सक्सेसफुल होगा, वो काम बनेगा, वो आपके लिए रास्ता खोलेगा ही खोलेगा। इसलिए मेरे प्रियजनों, आज आपके ऊपर मेरे प्रभु आप निर्भर करना चाहिए, आपको जो प्रार्थना करना चाहिए, आपको प्रार्थना में वो लगन के साथ, समर्पण के साथ बैठ कर उस पर, उस खुदा से बात करो, उस परमेश्वर से बात करो। परमेश्वर से अगर आप जब बात करेंगे, परमेश्वर से
मांगेंगे, परमेश्वर से ढूंढेंगे, खटखटाएंगे। आज प्रभु यीशु मसीह तेरी जिंदगी में काम करेगा, परमेश्वर तेरे लाइफ में काम करेगा, परमेश्वर तेरे सोचों और विचारों में काम करने जा रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, आज जितना सोचोगे उतना ही आपका नुकसान होगा। अगर आप मेरे प्रियो तुरंत ही प्रार्थना सुनते हैं, तुरंत ही निर्णय लेते हैं, तुरंत ही प्रभु के मार्ग में चलने के लिए तैयार होते हैं, मेरे प्रियो आज आपके लिए ऐसे दरवाजा खुल जाएगा जो कभी सोचे नहीं थे, जो आप कभी बोले नहीं थे, जो आप कभी करे नहीं थे। ऐसे ऐसे मार्ग और ऐसे ऐसे रास्ता प्रभु आपके लिए खोल देगा। हालेलुया री बाबा परी खांदा रामा रे 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 ओ रे बिरि 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 खरे रे 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 रे। परमेश्वर पिता के नाम से, परमेश्वर पिता के नाम से आज अद्भुत काम होने लगे। पवित्र ओ पवित्र आत्मा छू, पवित्र आत्मा छू, पवित्र आत्मा टच कर मेरे प्रभु। आज इधर उधर जितने भाई बहन भूत आंख झांक कर रहे हैं पिता, वो प्रार्थना उनका मन नहीं लग रहा है, प्रार्थना का जीवन नहीं है पिता, जो ठंड में प्रभु जी तड़प रहे हैं पिता, लेकिन ऐसे लोगों के लिए प्रभु तू उपाय कर, ऐसे लोगों के लिए प्रभु तू मार्ग खोल, ऐसे लोगों के लिए तू रास्ता खोल। प्रभु परमेश्वर पिता तू दया का सागर है प्रभु, तू दयालु परमेश्वर पिता। आज ना तो बल से ना तो शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य द्वारा, परंतु परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य द्वारा इनके जिंदगी में बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार होने लगे प्रभु जी, अद्भुत चमत्कार होने लगे पिता। यस मेरे परमेश्वर आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है मेरे प्रभु जी। यस मेरे परमेश्वर आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है पिता, तू यहोवा जिरे उपाय करने वाला परमेश्वर। ओ स्वर्ग तेरा सिंहासन, पृथ्वी तेरे पैरों की चौकी है कहा प्रभु जी। आज जितने यहोवा के डरवैये हैं वो कभी लज्जित नहीं होंगे, वो कभी निराश और हताश नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर पिता उनको छू लेगा, वो परमेश्वर पिता उनको टच करेगा, उनकी जिंदगियां बदल देगा, उनके परिवार में उन्नति आएगा, उनके घर में आज प्रभु यीशु मसीह का जन्म होगा, उनके घर में परमेश्वर पिता का आज आशीष और बरकत होगा। विशेषकर मेरे प्रियो, ये दिसंबर महीना पूरा साल तो गुजर गया, लेकिन आज प्रभु से निर्णय लें, आज प्रभु से निर्णय ले लिए जाए, प्रभु से कहें कि प्रभु आज मेरा दिन, आज ये मेरा प्रभु इस पूरा महीना जो दिसंबर का महीना था मेरे लिए आशीष का कारण होने पाए, और आने वाले 2024 भी पिता मेरे लिए आशीष का कारण होने पाए। अगर आज प्रभु से मांगेंगे, मैं विश्वास करता हूं, चैलेंज करता हूं, प्रभु यीशु मसीह आज आपके लिए 100% उपाय और मार्ग खोलेगा, रास्ता खोलेगा। मेरे प्रियजनों आज निराश मत हो, आज घबरा मत, प्रभु पर भरोसा रख। हमारी प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आज आपकी जिंदगी में वो कठिन से कठिन समस्याओं को, वो मुसीबतों को, दुखों को, तकलीफों को आज प्रभु यीशु मसीह दूर करने जा रहा है। परमेश्वर तेरी जिंदगी से वो सारी समस्याओं को हटाने जा रहा है। इसलिए अगर तू जितना प्रभु पर आज भरोसा रखेगा उतना ही तेरा आज फायदा रहेगा, और जितना तू प्रभु का कहना मानेगा उतना ही परमेश्वर तेरे लिए उपाय और मार्ग खोलेगा। इसलिए डर मत, घबरा मत, चिंता मत कर, विश्वास के साथ प्रार्थना को सुन। परमेश्वर तेरे लिए असंभव को संभव में बदल देने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया। यस यस है प्रभु। हम देखते हैं बाइबल में परमेश्वर को वचन, हम देखते हैं मेरे प्रियजनों, जब पतरस डूब रहा था नाव में, तो प्रभु यीशु मसीह जो असंभव था, लेकिन मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह उसके लिए उसको संभव बदल दिया, वो डूबते हुए को उसको प्रभु ने बचा लिया। आपको भी मेरे प्रियो, अगर आप जिंदगी में थक चुके हैं, वो जिंदगी में निराश हैं, वो जिंदगी में परेशान हैं, आप रो रहे हैं, गड़गड़ा रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, आपका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, आप इधर उधर बहुत परेशान हो गए हैं, थक चुके हैं, निराश हो गए हैं, आपका मेरे प्रियो कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं कहां जाऊं, क्या करूं, आपको ऐसा लग नहीं ला रहा था, लेकिन मेरे प्रियजनों प्रभु यीशु मसीह उपाय करने वाला है, वो प्रभु यीशु मसीह मार्ग और रास्ता खोलने वाला है, प्रभु यीशु मसीह आज आपकी बिगड़ी काम को बनाने वाला है परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। यस 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 यस। ओ राजा दया कर पिता, दया कर प्रभु, ना तो बल से ना तो शक्ति से, ओ परंतु परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य द्वारा, ओ परंतु परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य द्वारा हर एक जन की जिंदगियों में, हर एक जन के परिवारों में सारे बंधन आज यीशु मसीह के से छूट जाने पाए, और परमेश्वर पिता के वचन के सामर्थ्य द्वारा हर एक जन के परिवार में, हर एक जन के घर में आशीष और उन्नति और बरकत आने पाए प्रभु जी। हे परमेश्वर दया करो प्रभु, हे परमेश्वर दया करो प्रभु। हालेलुया प्रभु। स्वर्ग तेरे सिंहासन, पृथ्वी तेरे पैरों की चौकी है कहा आज मसीह यीशु के नाम से। परमेश्वर पिता के वचन के सामर्थ्य द्वारा इनके जिंदगी में बड़े बड़े चमत्कार होने लगे प्रभु, इनके परिवारों में बड़े बड़े चमत्कार होने लगे पिता, और ना तो बल से ना तो शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य द्वारा, ओ परंतु परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य द्वारा इनकी जिंदगी बदल जाने पाए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। दया कर प्रभु, दया कर, दया कर, दया कर। यीशु पापा मैं प्रार्थना करता हूं, यीशु पापा मैं दुआ करता हूं आज प्रभु, सचमुच में आपने उनके रास्ता खोला है, मार्ग खोला है प्रभु, और उनके प्रभु जी बंद पड़े रास्ते आज प्रभु, ओ इधर उधर भटक गए थे पिता, लेकिन आज उनकी प्रार्थना के द्वारा, ओ उनके समर्पण के द्वारा, उनके विश्वास के द्वारा सारे रास्ते खुल जाएंगे इस मसीह के नाम से, और धन में बढ़ोतरी होगा, आशीष होगा, तेरे आय के स्रोत बढ़ेंगे, तेरे आज बिजनेस में उन्नति आएगा, पवित्र आत्मा छूलेगा, पवित्र आत्मा टच करेगा, पवित्र आत्मा तेरे लिए उपाय और रास्ता खोलेगा, पवित्र आत्मा मार्ग खोलेगा। आज यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को सुनो,
आज यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को जो भी सुनेगा उसके लाइफ में आज परमेश्वर आज आएगा, उसके लाइफ में परमेश्वर आज आएगा। चिंता मत कर, विश्वास के साथ प्रभु के नाम को ऊंचे उठा। प्रभु आज आपकी परिस्थिति को बदल रहा है और बंद पड़े रास्ते खुल जाएंगे, वो बंद पड़े कष्ट और बंद पड़े समस्या आज दूर हो जाएगा। आज विश्वास के साथ प्रार्थना सुनो, विश्वास के साथ जो भी व्यक्ति प्रार्थना सुनेगा, विश्वास के साथ जो भी व्यक्ति प्रभु से बातचीत किया है आज, विशेष कर प्रभु उसको आज उपाय किया है, परमेश्वर उसके लिए रास्ता खोला है, परमेश्वर उसके मार्ग खोला है, परमेश्वर उसके चारों तरफ ढाल बन के सुरक्षा बन के उसके लिए उपाय और परमेश्वर मार्ग खोला है। हालेलुया हालेलुया यस 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 हो रहा सुखी। धन्यवाद पिता मेरे प्रभु, दया कर दया कर दया कर, छू ले प्रभु स्वर्ग तेरा सिंहासन प्रभु। आज प्रभु तेरे और पैरों की चौकी है कहा मेरे प्रभु। आज हर एक जन प्रभु आज जो प्रभु धनवान हो ज्ञानवान हो अपने आप को प्रभु बुद्धिजीवी समझते हैं पिता, ऐसे ना जाने कितने लोग हैं पिता जो अपने धन अपने ज्ञान अपने बुद्धि का अपने ताकत का भरोसा रखते हैं पिता, लेकिन प्रभु ऐसे हर एक विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। ओ लेकिन हर एक ऐसे विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो कमजोर हैं, जो निर्बल हैं पिता, जो अपने आप को जीरो कर दिए पिता, उनके हर चीज आज यीशु मसीह के नाम से सक्सेसफुल होने पाए पिता। आज पिता आज हर एक जन की जिंदगी बदल जाने पाए प्रभु, आज हर एक जन की लाइफ बदल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। आज प्रभु हर एक जन के जीवन को बदल दो, हर एक जन के परिवार में उन्नति आए, हर एक जन परिवार में शांति और बरकत आए, और प्रभु आपको विश्वास के साथ हर एक जन के आज घर में प्रभु आज सचमुच में बरकत को देना प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवादों के साथ ये प्रार्थना मसीह यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम मांगते हैं प्रभु। दया करके सुनिए पिता और अपने स्वर्गीय स्थान में ग्रहण कीजिए प्रभु। आमेन 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 आमेन।